हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गरिमा यानी फूड रेसिपीज में। और मैं गरिमा सक्सेना आज आपको बताने जा रही हूँ दम अरवी की रेसिपी। ये दम अरवी की रेसिपी बहुत ही अच्छी है और इसे आप चाहें तो बिना लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं। बहुत ही रिच सब्जी होती है, इसे आप रोटी, पराठा, पूड़ी या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज हम दम अरवी कैसे बनाते हैं। दम अरवी बनाने के लिए हमें चाहिए उबली अरवी लगभग 500 ग्राम। इसे मैंने पहले उबाल कर 2 सीटी लगाई है, उबाला है और फिर इसे छील लिया है। और हमें चाहिए दही 1 कप, फ्रेश टमाटर की प्यूरी 1 कप, कटा हुआ बारीक प्याज 1 बड़ा या 2 मीडियम साइज के, नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ी सी हींग और कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन 1 टीस्पून। पहले हमें सारी अरबी को ऐसे हाथों से मसल कर फ्लैट करना होगा और फिर इन्हें डीप फ्राई करेंगे। सब्जी बनाने के लिए मैंने सारी अरबी को चिपटा करके रख लिया है और एक तरफ हमारा तेल गर्म हो रहा है। मैंने एक बार में लगभग दो टेबल स्पून तेल गरम किया है। अब हम इन्हें 1 बाय 1 करके अरबी फ्राई करेंगे। एक बार में 3 से 4 अरबी ही डालें जिससे वो आपस में चिपके नहीं। अरबी फ्राई हो रही है, इन्हें मैंने टर्न भी कर लिया है और इस दूसरी साइड से भी लाल हो रहे हैं। इसी तरह करके हम अपनी सारी अरबी फ्राई कर लेंगे। अरबी को मैंने फ्राई कर लिया है, अब बचे तेल में ही हम सब्जी का तड़का लगाएंगे। सबसे पहले तेल गरम है तो मैं हींग डालती हूँ, कैरम सीड्स, इन्हें अच्छे से तड़कने देते हैं। अजवाइन भुन गया है, अब हम इसमें प्याज का तड़का लगाते हैं। प्याज भूनकर लाल हो गया है, अब हम इसमें टर्मरिक पाउडर और कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे, साथ में थोड़ा सा पानी जिससे मसाले हमारे जले नहीं। इन्हें थोड़ा भून लेते हैं। मसाले भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे और इसे तेल छोड़ने तक भूनेंगे। टमाटर भूनकर हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसमें दही मिक्स करेंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए धीमे धीमे आंच पर भून लेते हैं। अभी और बाकी के मसाले मिक्स करते हैं, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और गरम मसाला पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए धीमे धीमे आंच पर ढककर दम पर पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, दम अरवी हमारी बनकर तैयार हो गई है। मैंने गैस बंद कर दिया है और देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट लगती है।